वो कौन लोग थे जो तुम्हारी गाड़ी में बैठे? वो कौन लड़की थी जो जंगल से निकल कर आई? वो कौन लोग थे जो जंगल में शादी मना रहे थे? और कहाँ हैं वो सारे लोग जो यहाँ थे? तो सुनो, वो इंसान नहीं थे, वो सारे के सारे जिन थे। अब जो वो शीशा देख रहा है अहमद, तो क्या देख रहा है शीशे में? कि एक बूढ़ी औरत है जिसके बड़े बड़े बाल हैं, बालों का जंगल उसके बालों पर, और बड़े बड़े दांत। ये उस तस्वीर को देख रहा है शीशे में और एकदम घबरा गया। अब जो इधर देख रहा है, ये वही खूबसूरत खातून इसके सामने खड़ी हुई। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और आपसे तो मैं बाद में बात करूंगा, पहले मैं अपनी ऑडियंस से बात करता हूँ। आपका एपिसोड अगर एक दो दिन लेट हो जाए तो ये ऑडियंस ताने देने लगती है कि शेख साहब आपको छोड़ के चले गए। तो आप अपनी ऑडियंस को बताएं कि आप हमें कहीं छोड़ के नहीं जा रहे। कहीं नहीं जा रहे ना, जाने का इरादा है खुदा ना खास्ता, ऐसा भी कुछ नहीं है। मैं कहीं नहीं जा रहा, और मैं कह रहा हूँ कि खुद को तुमसे जोड़ दिया है। खुद को तुमसे जोड़ दिया है, सुने ये सारे प्यार करने वाले सुने, कि खुद को तुमसे जोड़ दिया है, बाकी रब पर छोड़ दिया। बहुत खूब बहुत खूब। खुद को तुमसे जोड़ दिया है, बाकी रब पर छोड़ दिया है। और अहमद, हमारी मिसाल तो उन परिंदों की सी है कि जो खाली पिंजरे देखकर भी नहीं उड़ा करते। वाह वाह, बहुत बहुत गहरी बात कह दी आपने, बहुत गहरी बात कह दी। और कह रहा हूँ कि एक अजीब सी जंग है मुझ में, एक अजीब सी जंग है मुझ में। हाय 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 जिंदगी, एक अजीब सी जंग है मुझ में, कोई मुझसे ही तंग है मुझ में। क्या बात है। एक बात और कह रहा हूँ कि जो पत्थर के हो चुके हैं, ये जो पत्थर के हो चुके हैं अपने हिस्से का रो चुके हैं। बहुत खूब, यानी अपने हिस्से का रो चुके हैं, अब जब इनको रोना नहीं आता, खामोश हो गए, सुन हो गए। इतना सताया है लोगों ने, इतना सताया है माहौल ने, इतना सताया है तकदीर ने, कि खामोश हो गए हैं और पत्थर हो गए हैं। शेख साहब, आपके इस शेर के दरमियान मुझे भी एक हाजिरी हुई है। अरे क्या बात, अर्ज किया है इरशाद कि मज़ा बरसात का लेना है तो इन आँखों में आ बैठो। क्या बात है, मज़ा बरसात का लेना है तो इन आँखों में आ बैठो। वो तो बरसों में बरसती हैं, ये तो बरसों से बरस रही हैं। हाय हाय, ये क्या तो बात बरसों है, क्या से बात बरस रही है, क्या बात है, क्या बात है। मैं कह रहा हूं कि जिंदगी और भी आसान हो जाती, कितनी मजे की बात है कि जिंदगी और भी आसान हो जाती अगर वक्त पे लोगों की पहचान हो जाती। वाह वाह वाह, यानी अगर एक एक का पहले पता लग जाता, हाय कितना आसान हो जाता। हाय हाय, कितना, मुझे पता ही नहीं सामने वाले के दिल में क्या है। हाँ। मैं उसके साथ बेलौस हूँ, दिलो जान से हूँ, लेकिन उसका पता नहीं। कितनी आसान हो जाती कि अगर उसका पहले से पता होता। हाय। और इसी का एक शेर था, पता नहीं किसका शेर है, मैं उनका नाम भूल गया, लेकिन जिसका भी शेर है बहुत खूब है। क्या कह रहे हैं? अगर चेहरे पे नकाब ना होते तो कितने फसाद होते। हाय हाय हाय, अगर चेहरे पे नकाब ना होते तो सोचो कितने फसाद होते। ओए होए होए, क्या बात है। और बिल्कुल वही कहानी की तरफ अब गाड़ी मोड़ ली जाए। और ये जो सारी बातें हम स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी से पहले, मैं हमेशा से कहता आया हूँ ये अंदर की बातें होती हैं, ये अंदर का होता है जो बाहर आता है, और उसको आपने प्यार की नज़र कर दी। हाँ, क्योंकि अगर शायर ने भी शेर कहा है तो ऐसे हालात उस पर भी गुजरे, और जब उस पर ऐसे हालात गुजरे तो कहीं ना कहीं हमारी ऑडियंस में हम पर ऐसे हालात गुजर रहे हैं। तो हो सकता है इंसान इतनी लंबी लाइन में ना बता सके, दो शेरों में वो बात पता लग जाती है मुख्तसर करके। क्या बात है। और तमाम प्यार करने वालों का बहुत शुक्रिया, और दिल से दुआएं हूं तमाम लोगों के लिए कि मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं जिन अल्फाजों में उनका शुक्रिया अदा करूं। बहुत सारे लोग हैं, इतने सारे लोग हैं प्यार करने वाले अहमद, हमें और तुम्हें। क्या बात है, अपनी इस स्टोरी के तवज्जुह से कि मौलाए करीम उनको गंज करे, वो जहां से भी हैं, जो भी हैं, जिस मजहब से भी हैं, मैं हमेशा से कहता हूं वो मेरे यहां है, वो मेरे दिल में। क्या बात है, क्या बात है। और आज हमारी पहली कहानी जो है अहमद, हाँ, ये एक टैक्सी ड्राइवर है। अहमद टैक्सी ड्राइवर है, और जो टैक्सी ड्राइवर होते हैं तुम्हें मालूम होना चाहिए कि ये बेचारे सारा दिन
अपनी टैक्सी चला रहे होते हैं, ऐसा ही है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नाइट की शिफ्ट में भी टैक्सियां चला रहे होते हैं। हाँ, रात को अब ज्यादा टैक्सियां चलने लगी हैं। और पहले के जमाने में भी टैक्सियां हमेशा से चला करती थी, जैसे एयरपोर्ट के पास खड़ी होती थी या कोई गांव देहात है तो वहां चल रही है कि कोई आ रहा है स्टेशन से, उसको लेके छोड़ना। ये एक ऐसे ही ड्राइवर की कहानी है जो लेट नाइट तक टैक्सी चलाता है, जो लेट नाइट तक टैक्सी चलाता है। होता क्या है, एक दिन ये सारा दिन अपने मसाफात से, अपने काम से फारिग होने के बाद, पैसेंजर पहुंचाना, पैसेंजर छोड़ के आना, अपने काम से फारिग हुआ है, अब ये घर के लिए जा रहा है। सारा दिन इसने टैक्सी चलाई है, थका हुआ है, बड़े मूड से जा रहा है कि अब बच्चों के साथ जा के बैठ के खाना वाना खाऊंगा, बीवी के साथ बैठूंगा, ये मूड से जा रहा है। याद रहे कि जो रास्ता है ये गांव का है, ये गांव का ड्राइवर है अहमद, गांव में टैक्सी चलाता है। तो क्या होता है कि गांव की जो कच्ची सड़कें हैं उस सड़क से इसका गुजर हो रहा है, तकरीबन रात के 1:30 बज रहा है और ये घर के लिए निकल रहा है। हल्की हल्की बारिश हो रही है, अहमद फुहार पड़ रही है, अभी बारिश तेज होने के इम्कानात हैं, फुहार शुरू हो रही है। ये घर ये सोच के जा रहा है कि चलो बारिश इससे पहले के तेज हो मैं घर पहुंच जाऊं, ये मंड के जा रहा है, वाइपर चल रहे हैं, टैक्सी लेके जा रहा है। क्या देखता है कि सामने शीशे से इसकी नजर पड़ती है कि रोड के किनारे में दो शख्स खड़े हुए हैं, कद्दावर शख्स खड़े हैं, दो आदमी नजर आ रहे हैं इसे, रात को डेढ़ बजे। लेकिन बात यह है कि वो आदमी जो खड़े हुए हैं, बजाय इसके कि इसको हाथ देते या लिफ्ट के लिए कहते, ये उनके पास से गुजरा है और ये सोच के गुजरा है कि यार ये तो दोनों अकेले खड़े, इनका काम था मुझे रोकते। इसने अपनी गाड़ी आगे ले जाके उन्हें क्रॉस करने के बाद आगे जाके गाड़ी रोक दी है, यही सोच के कि यार रात के पैसेंजर हैं, हो सकता है दिहाड़ी लग जाए, तो मे बी कि शायद इन्हें कहीं जाना हो, मैं खुद ही इनसे पूछ लेता हूँ। इसने रिवर्स लगाया अहमद और गाड़ी इनके बिल्कुल बराबर में लाके खड़ी कर दी। हाँ। अब इनसे पूछ रहा है, अब चूंकि वो जो दो शख्स खड़े हुए हैं, इसने गाड़ी रिवर्स की है, उनके बराबर में लाया है, इनसे पूछ रहा है कहां जाओगे। उनमें से एक शख्स नीचे हुआ है और शीशे में इसको खिड़की से इसको बोल रहा है कि हमें तो बहुत दूर जाना है। याद रहे कि ये शख्स जो इससे बात कर रहा है, इसने काला चश्मा पहना हुआ है अहमद, रात को काला चश्मा पहना हुआ है। ड्राइवर जो है टैक्सी वाला, इसने इसको देखा कि यार ये चश्मा, सोच रहा है कि इसने इतनी रात को चश्मा क्यों लगाया हुआ है। तो इसके दिमाग में क्या हो सकता है, इसकी कोई आंखों का प्रॉब्लम हो, आई प्रॉब्लम होगा, तो इसलिए चश्मा लगाया हुआ होगा। बहरहाल इसे पूछ रहा है कहां जाओगे, तो वो शख्स उससे कह रहा है कि हमें तो बहुत दूर जाना है, तुम जाओ अपना काम करो। वो कहता है मैं अपने काम पे ही हूँ, ये मेरा काम है, मैं टैक्सी चलाता हूँ, तो मेरा फर्ज बनता है कि अगर कोई राहगीर खड़ा है और परेशान है तो मैं उससे पूछ लूँ, बजाय इसके कि आप मुझसे पूछें। तो वो कहता है अच्छा हमें जहाँ जाना है तो क्या तुम हमें छोड़ दोगे। वो टैक्सी वाला मुस्कुरा के कहता है कैसी बात कर रहे हैं साहब, मैंने आपसे कहा ना कि ये मेरा काम है। तो वो कहता है तो फिर ठीक है। दोनों अंदर गाड़ी में बैठ, अब ये पिछला दरवाजा खोला है, ये गाड़ी में बैठे हैं। अब जब वो गाड़ी में अंदर आके बैठे हैं तो क्या देख रहा है इसने, शीशे में इसने देखा है कि ये सूट में है अहमद, कोट पहने में, दोनों वेल ड्रेस, बेहतरीन पैंट, कद्दावर शख्स पैंट कोट पहने हुए हैं और पीछे बैठे हैं दोनों। अच्छा, इसने ये जज किया कि ये कोई ऑफिसर है, इनकी गाड़ी शायद खराब हो गई है और इन्हें कहीं जाना है, इसलिए ये मेरे साथ बैठ गए। अब ये मूड में हो गया कि दिहाड़ी मेरी टैट लग जाएगी। अहमद ये लेके जा रहा है सीधा रोड पे गाड़ी। अब इनसे पूछा जो पीछे लोग बैठे हुए, क्या आप कहां जाएंगे। जो पीछे शख्स बैठे हुए हैं दोनों, उन्होंने एक आवाज होके कहा कि तुम ना पूछो कि हम कहां जाएंगे, जहां हमें जाना होगा हम वहीं जा रहे हैं, और हां हम तुम्हें बताएंगे कि हमें कहां जाना है। सुनो अभी सीधा जाने दो। सीधी गाड़ी जा रही है, 20-25 मिनट ड्राइव हो गई है। 20-25 मिनट के बाद ड्राइवर फिर पूछ रहा है, अरे भाई आखिर आप जाएंगे कहां। उसने बोला देखो बात सुनो, आगे से कच्चे में रास्ता उतरेगा जंगल के लिए। ये गांव से बाहर आ गए, रोड छोड़ा है इन्होंने, अभी छोड़ने वाले हैं। तो पीछे जो शख्स बैठे हैं उन्होंने कहा कि देखो जैसे ही रोड खत्म होगा तो तुम उल्टे हाथ पर जंगल में ले लेना। इसने बोला जंगल में ले लेना, बोले हां। खैर ये गया अहमद, और जैसे ही जंगल की हदूद शुरू हुई है इसने वहां गाड़ी रोक दी। इसने बोला देखो, पीछे वाले शख्स बैठे हैं कि देखो अंदर पूरा जंगल में अंधेरा गुप है,
आप अगर यहां जाना चाहते हैं तो मैं आपको यहीं उतारूंगा, इससे आगे मैं नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा, तुम तो कह रहे थे कि तुम मंजिल पर छोड़ोगे, तो ये हमारी मंजिल तो नहीं है, हमारी मंजिल तो अभी आगे है, तो आप अपना वादा भूल रहे हैं, आप हमें हमारी मंजिल पर उतारेंगे, आप हमें अधूरा ना छोड़ के जाएं। इसने कहा, देखो कि अंदर जाना मुनासिब नहीं है। क्यों? कि अंदर तो पूरा जंगल शुरू हो जाता है और आप यहां कहां जा रहे हैं। दोनों शख्स जो बैठे उन्होंने कहा कि बात सुनो, तुम कह रहे हो कि जंगल है, होगा, लेकिन सुनो, तुम गाड़ी आगे लेके चलो और तकरीबन 5 मिनट की ड्राइव के बाद कोई हमारा वहां इंतजार कर रहा है जिसको हमने पिक करना है। एक और सवारी को बिठाना है। बिल्कुल, कह रहे किसी और को भी बिठाना है। ये टैक्सी वाला बोल रहा है कि जंगल में आपका इंतजार कौन कर रहा है। उन्होंने बोला, तुम चलो तो सही, इंतजार कर रहा है। इसने कहा कि मैंने आपसे कहा कि मैं यहां से आगे नहीं जाऊंगा। अब दोनों शख्स कह रहे हैं कि भाई यहां तक आपके कितने पैसे बने। अब इसने सोचा कितने पैसे बताए जाए। इसने बोला, भाई यहां तक मेरे 2,500 रुपए बन गए। उन्होंने बोला, फिर एक काम करो, तुम्हारे अगर 2,500 बन गए हैं तो तुम हमें हमारी मंजिल तक लेके चलो, हम तुम्हें 30,000 रुपए देंगे। इसने बोला, जी। बोले, हाँ, तुम्हारे 2,500 यहां के बने और अंदर हमें लेके जाओ, हमें जहां जाना है जब हम उतरेंगे तो हम तुम्हें 30,000 रुपए देंगे। अहमद, इसने कुछ नहीं पूछा, इसने सलफ मारा और ये सोच के चल दिया जंगल की जानिब कि 30,000 रुपए ये जंगल में गाड़ी उतार दी। इसने अब गाड़ी चल रही है, 3-4 मिनट गुजरे हैं। अहमद, उन्होंने बोला, गाड़ी को साइड पे लगा दो। हाँ। जंगल में गाड़ी साइड में लगी है। अहमद अब ये बैठा हुआ है गाड़ी में, जानते हो क्यों? क्यों? क्योंकि यहां किसी का इंतजार है, किसी और ने आना है। वो पैसेंजर का जो बोला था उन्होंने, वो जो उन दोनों ने कहा है जो पीछे बैठे हुए कि किसी ने आना है, ये वेट कर रहा है। हाँ। 2 मिनट गुजरे, इसने इन लोगों से पूछा, अरे भाई वो कौन है जिसने आना है और कब आएगा? इतनी बात हुई है अहमद, तो क्या देखते हैं कि इसने अपने साइड की खिड़की से देखा है कि कद्दावर खूबसूरत लड़की, बला की हसीन और जमील, या बड़े बड़े उसके बाल, सुराहीदार गर्दन, खूबसूरत तरीन वाइट और रेड कलर की साड़ी पहनी हुई है। मत ज्वेलरी से लबरेज हुई भी वो लड़की। लेकिन वो जंगल में क्या कर रही है? यही ये सोच रहा है। इसने जब देखा कि कोई लड़की आ रही है और अकेली आ रही है। लड़की करीब आई है गाड़ी के, टैक्सी के करीब आई, पीछे से एक शख्स उतरा है अहमद, और वो जो पीछे बैठा हुआ था वो आगे आके बैठ गया और उस लड़की को जो अभी आई है उस लड़की को पीछे बिठा दिया है। अहमद, लड़की पीछे बैठी, जो आगे आगे बैठा उसने बोला चलो, इसने सलफ मारा, फिर रनिंग शुरू। अब ये तीनों जा रहे हैं, अब ये तीनों जा रहे हैं। ये सोच रहा है कि ये जंगल में अकेली लड़की इतनी रात को कहां से आ रही है। इसने सोचा कि मैं पूछूं, हिम्मत की इसने, गाड़ी चल रही है, चारों तरफ जंगल है अहमद, और गाड़ी सीधी जा रही है। अब इसके दिमाग में वो 30,000 रुपए सवार हैं। इसने बोला, मैं इनसे पूछूं तो सही, आखिर ये कहां जाना चाहते हैं। इसने फिर पीछे नहीं देखा है, गाड़ी चला रहा है और बराबर वाले से पूछ रहा है, अगर मुझे ये पता चलेगा कि कितनी दूर और जाना है तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी, क्योंकि मुझे घर भी जाना है। उसने कहा, तुम परेशान ना हो, बस थोड़ी सी दूर और, तुम जरा सी दूर और चलोगे हम तुम्हें रोक देंगे। अहमद, वही हुआ, गाड़ी गई है, 7-8 मिनट ड्राइव मजीद हुई है जंगल के अंदर। हाँ। अब जब ये जंगल में 7-8 मिनट के बाद जब इंटर हो रहा है तो क्या देखता है कि जंगल में मंगल हुआ हुआ है। अहमद, मतलब रोशनी हुई हुई है चारों तरफ उस जंगल के अंदर जहां उनको तीनों को जाना है। वो जंगल में दिन निकला हुआ है, चारों तरफ रोशनियों की भरमार और हद नजर लोग ही लोग। इससे कहा कि बस गाड़ी रोक दो, इसने गाड़ी रोकी है, ये तीनों लोग उतरे हैं अहमद, और तीनों लोग उतरे हैं और वहां पर शादियाने बज रहे हैं, रोशनी हुई हुई है, हद नजर लोग ही लोग और बला के खूबसूरत तरीन लोग। यानी ये तीनों भी जो जा रहे थे तकरीब में जहां इन तीनों को जाना है, ये तीनों जहां जा रहे थे वो एक शादी थी। शादी थी। अब क्या होता है कि ये टैक्सी से उतरे, इन्होंने उससे जो जबान की थी 30,000, हाँ, इसको वो पैसे दिए। इसने वो पैसे लिए और लेने के बाद उन तीनों शख्सों ने जो उतरे हैं अभी गाड़ी से वो जाने लगे, तो ये टैक्सी वाले ने आवाज दी, सुनिए
उनमें से एक शख्स घूमा, बोलो बोलो। वो कहता है, अगर आप मुनासिब समझें तो मैं यहां आपका इंतजार करता हूं, आप जब फारिग हो जाएं तो आ जाएं, मैं आपको वापसी छोड़ दूंगा। जानते हो क्यों? इसके दिमाग में वही बात चली है, जब मुझे यहां आने के 30,000 मिल सकते हैं तो घर तो मैं बाद में भी चला जाऊंगा। पर उसको वहां से कोई पैसेंजर तो मिलना था, कोई मिलना ही नहीं था। उसने बोला मैं यहां से खाली क्या जाऊंगा, इन्हें लेता वही जाऊंगा। फिर उन्होंने क्या बोला? वो क्या कह रहे थे? कह रहे नहीं, अब तुम यहां से जाओ, हमें जहां जाना है और जहां जाना था वहां हम आ चुके हैं। अब तुम जाओ और हमें वापसी जाने का कोई इरादा नहीं है, अब तुम यहां से जा सकते हो। और सुनो, जा रहे हो तो पीछे घूम के ना देखना। इसने सोचा पीछे घूम के ना देखना, ये गाड़ी में बैठा है और निकला है अहमद। अब पूरे रास्ते इसके दिमाग में यही बात चल रही है कि ये कौन लोग थे जो आधी रात को मेरी टैक्सी में बैठे हैं, मुझे 30,000 रुपए दे गए और उतरे कहां? जंगल में। और उस जंगल में कि जहां दिन निकला हुआ है, जंगल में मंगल हो रहा है। मेरा तो इस जगह से अक्सर गुजर होता है, मैं तो यहां से गुजरता हूं, यहां तो ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन ऐसा क्या कि रातों रात यहां जंगल में मंगल हुआ हुआ है? इसके दिमाग में ये बात चल रही है। ये घर पहुंचा है, घर पहुंचने के बाद गाड़ी खड़ी की, घर में दाखिल हुआ, बेचैनी है। इसने पूरे पैसे निकाल के अपनी बीवी के आगे रख दी कि ये लो। इसकी बीवी ने एक साथ इतने पैसे देखे और कह रही, अरे ये कहां से आए, इतने सारे पैसे कहां से लिया है? कहते, अरे पगली, ये मुझे पैसेंजर ने दिए हैं। तो इसकी बीवी कह रही है, क्या पैसेंजर पागल था? उसे ऐसी कौन सी जगह जाना था जो तुम्हें इतने सारे पैसे दे गया? 30,000 रुपए, 30,000 रुपए तुम्हें दे गया? तो वो अपनी बीवी को मुतमईन कर रहा है कि यही तो तुझे बताना चाह रहा हूं कि सुन, मैं जब आ रहा था तो मुझे रास्ते में दो आदमी मिले। पूरी कहानी अपनी बीवी को इसने सुनाई कि मुझे दो आदमी मिले, वो बैठे, उन्होंने कहा मुझे जंगल से किसी को पिक करना है। जब मैंने वहां जंगल में गाड़ी खड़ी करी तो वहां क्या देखता हूं कि एक खूबसूरत लड़की आके उनके साथ बैठी है। जंगल में आधी रात को वो लड़की आके उनके साथ बैठी है। उस लड़की को और उन दोनों शख्सों को मैंने जंगल के बीच में जाके उतारा है, जहां जंगल नहीं था वहां जंगल में मंगल था। खूबसूरत तरीन लोग ही लोग थे, बहुत सारे लोग, और वो तीनों उस तकरीब में शरीक हुए। बीवी कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, या तो तुम पीकर आए हो या तुम पिए हुए थे। कहता है, नहीं, मेरी बात का भरोसा कर। कहती है, अगर ऐसी बात है तो मुझे भी जरा दिन में ले जाके दिखाओ, मैं भी तो देखूं वो कौन सी जगह है। हमें तो यहां रहते हुए जमाना हो गया, जंगल के बीच में तो ऐसी कोई भी जगह नहीं। फिर ये उसको लेके गया अपनी बीवी को वहां। दिन निकला, जब दिन निकला तो इसको यही तजस्सुस था कि हो सकता है वो पैसेंजर जो रात को इसने वहां छोड़े, दिन में हो सकता है इसको वो लोग मिल जाए तो उनको वो वापसी भी ले आए। और बीवी को कहता है, ठीक है, एक काम कर, तू मेरे साथ बैठ, मैं तुझे वो जगह भी दिखाता हूं और हो सकता है वो वापसी के लिए हमें वो पैसेंजर मिल भी जाए। बीवी कहती है, हाँ चलो। ये दोनों गाड़ी में बैठे हैं अहमद, इसने टैक्सी स्टार्ट की। अब ये जा रहा है कहां? कहां? उसी जगह, वहां जहां इसने उन तीनों को उतारा था। जंगल में दाखिल हुआ है, गाड़ी चली जा रही है, चली जा रही है। अब वो मकाम आ गया जहां से उसने उस लड़की को पिक किया था। उसने वहां गाड़ी रोकी, कहता, देख भगवान, बात सुन, ये वो जगह गाड़ी मैंने रोकी है कि यहां सामने से देख, ये वो जगह है जहां से वो लड़की निकल के आई थी। बीवी कहती है, पागल हो गए तुम, यहां कौन से घर बने हैं जहां से लड़की निकल के आई थी? कहती, हां मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन मेरी बात का यकीन कर, रात को वो लड़की यहीं से आई। कहती, यहां आई होगी, चलो मुझे वहां लेके चलो जहां तुमने उन्हें उतारा था। फिर गाड़ी स्टार्ट की, अब जा रहे हैं पॉइंट पर कि जहां उन लोगों को उसने ड्रॉप किया, उतारा था। ये गाड़ी लेके वहां पहुंचा है अहमद, तो जानते हो क्या देखता है? वो देख रहा है कि चारों तरफ जंगल ही जंगल है अहमद, वहां कुछ भी नहीं, सेम जंगल पूरा एक जैसा, यानी ऐसा कि जैसे यहां कुछ हुआ ही नहीं, वीराना चारों तरफ, वीराना है चारों तरफ। और बीवी से कह रहा है कि जहां तू खड़ी है मैंने उन्हें यहां उतारा है, और ये सामने जो जगह तुझे जंगल लग रही है और मैं भी देख रहा हूं कि जंगल है, लेकिन मैं रात को उन्हें यहीं उतार के गया हूं और ये रात को जंगल नहीं था, या तो मंगल निकला हुआ था।
अब मैं ये सोच रहा हूँ कि वो सब लोग गए कहाँ। इसकी बीवी पता है क्या कहती है? कहती है एक मिनट देर किए बगैर यहां से निकलो। वो कहता क्यों? कहती है चलो। बीवी साथ बैठी है, इसने गाड़ी मोड़ी है और सीधा निकली है। तो इसकी बीवी इसको कह रही है होश से काम लो, तुम्हारा दिमाग काम करना छोड़ दिया है। बोला क्या मतलब? बोला जरा सोचो, वो कौन लोग थे जो तुम्हारी गाड़ी में बैठे? हाँ। वो कौन लड़की थी जो जंगल से निकल कर आई? वो कौन लोग थे जो जंगल में शादी मना रहे थे? और कहां हैं वो सारे लोग जो यहां थे? तो सुनो, वो इंसान नहीं थे, वो सारे के सारे जिन थे। और यहां रात को जिन की बारात होगी, जिन्हें तुम लेकर यहां पर छोड़ के गए हो वो भी जिन ही थे। अहमद इसकी सब समझ में आ गया। हाँ। सब समझ में आ गया कि हाँ, इसकी सब समझ में आ गया कि जो गुज़श्ता रात इसकी टैक्सी में जो पैसेंजर बैठे हैं बिल्कुल वो कोई इंसान नहीं, वो जिन्नात थे। होए 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 होए, बिल्कुल ऐसे। क्या बात है शेख साहब, रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। और ये टैक्सी ड्राइवर्स के साथ ज्यादा होता है क्योंकि वो अक्सर लेट गाड़ी चला रहे होते हैं, कभी किस रूप में कभी किस रूप में, ये विचारों को अक्सर। और आप ये देखें ना, हम जो भी ये जिन्नात के हादसात सुनते हैं ये उन्हीं लोगों के साथ होते हैं जो रात को ट्रैवल करते हैं। अब इनमें अक्सर शादियों में से लौट के आने वाले लोग बिल्कुल बेचारे ऐसे, और वीडियोग्राफी का जो काम करते हैं ये वाले लड़के जो मोटरसाइकिल्स पे होते हैं, और टैक्सी ड्राइवर बिल्कुल, रक्षा ड्राइवर जी, और जो भी रातों को निकलते हैं मिठाई की दुकान ले तो बेकरियां जो लेट बंद होती हैं बिल्कुल, उनके साथ ये हादसात होते हैं। और चौकीदार जो गलियों में चौकीदारी कर रहे होते हैं लेट नाइट, उनके साथ लेट नाइट उनके साथ ये वाकयात होते हैं। तो अल्लाह पाक हर एक को महफूज रखे, जिन्नात अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, बिल्कुल ऐसे ही है ना। और मैं समझता हूँ कि मैं हमेशा से कहता रहा हूँ, और हमने पिछली वीडियो में भी हमने ये जिक्र किए हैं, मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि आप पाकी रखेंगे, जब आप पाक रहेंगे तो आप बहुत सारी चीजों से महफूज रहेंगे। या दो मियां बीवी एक घर में रह रहे हैं। अब गांव की जिंदगी तुम्हें पता है कैसी होती है, कि मतलब अगर किसी ने दुकान भी खोली है तो अपने घर के बराबर में ही छोटी सी जगह बना ली, उसी को दुकान बना लिया, तो पीसीओ भी बना लिया, परचून की दुकान भी बना ली, जो जिसके सिस्टम में होता है वो बना लेता है अपने घर के बराबर में। बराबर में तो ये ऐसा ही एक घर की कहानी है, ये घर के बराबर में छोटी सी दुकान है, ये दो मियां बीवी घर में रहते ही। इन्होंने सोचा कि जब ये हमारे पास छोटी सी एक दुकान है तो क्यों ना इसमें कोई कारोबार कर लिया जाए। अब जब कारोबार करने की सोचते हैं तो कारोबार के लिए पैसे की जरूरत है, कोई बड़ा काम करने जाएंगे तो जाहिर है इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। ये दोनों में अभी भी ने फैसला किया कि भाई देखो हमारे पास इतनी रकम तो है नहीं कि हम कोई बड़ा काम शुरू कर दें। तो मियां कहता है कि एक काम करते हैं, मैं यहां इतर बेचना शुरू कर देता हूं, खुशबू की दुकान। हां, क्योंकि गांव में काफी किल्लत होती है इत्र शॉप्स की। अब बीवी कह रही है कि खुशबू बेचोगे, इतर बेचना चाह रहे हो, तो तुम तो ऐसे बेचना चाह रहे हो कि जैसे पूरा गांव तुम्हारी खुशबू लगा लेगा। कहता है अरे बेवकूफ, दूर तक कोई दुकान नहीं है खुशबू की, इतर की दुकान दूर तक नहीं है, और मैं ये चाहता हूं कि हम इतर की ही दुकान खोल दें, देखते हैं क्या होता है। बीवी कहती है चलो करके देख लो। ये शहर गया है अहमद, इतर वितर लेके आ गया है शहर से। इसने लाके अपने दुकान में लगाया बेहतरीन इतर वितर लगा के, अब ये दुकान खुशबू की इसने लगा ली। अब ये अपने दिन में दुकान में बैठा हुआ है, दुकान में तो बैठा हुआ है अहमद। दिन गुजरा, दिन गुजरे, हफ्ता गुजरा, लेकिन कोई आ नहीं रहा। अब जब तुम्हें मालूम है कि जब हफ्ते गुजरता है, एक हफ्ते के बाद वो जो सामान लाया है बीवी से ये बात कर रहा है कि अरे देखो मैंने खुशबू का काम तो खोल लिया, ये इत्र की दुकान तो खोल ली, लेकिन लोगों को देखो कि कितने बदजौक हैं कि कोई खुशबू लेने ही नहीं आ रहा। हफ्ता हो गया, जो हमारे पास बची कुची जो पूंजी थी वो हमने इस काम में लगा दी, इतर भी नहीं बिक रहा, तो क्या करूं मैं, ये वापस दे दूं? तो बीवी कहती है काम करो, एक हफ्ता हुआ है और तुम बेजार हो गए। अरे भाई लोग जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो महीनों इंतजार करते हैं, तुम एक काम करो, तुम दुकान बंद कर देते हो जल्दी, यानी मगरिब के बाद तुम दुकान बंद कर देते हो। कहते हैं तो दुकान बंद करने का टाइम मगरिब के बाद ही होगा,
सारा दिन बैठता हूँ, मगरिब के बाद दुकान बंद कर देता हूँ, तो मैं क्या करूँ? बीवी से कह रही कि तुम एक काम करो, तुम दुकान लेट नाइट खोल के रखो। ये बीवी को देख के मुस्कुराया और बोला, बेवकूफ औरत, जब दिन में कोई नहीं आ रहा तो रात में कौन आएगा। कहती है, आप मेरे कहने से रात में भी काम करके देखो, दुकान रात में भी खोल के देखो। इसने बोला, हाँ हाँ चल ठीक है, मैं ऐसा भी करके देख लूंगा, चल सो जा। बीवी को सुलाया और उसकी तरफ देख के बोल रहा है, रात को भी खोल लो, लेट गया है मन। ये लेटा है अपनी चारपाई पे, घंटा भर गुजरा इसको लेटे हुए, रात हो रही है, 12:30 बजे का टाइम है मन। इसका दरवाजा नॉक होता है। अब जब इसका दरवाजा नॉक हुआ है तो ये उठा, इसने बीवी की तरफ देखा, वो तो करवट लेके सो रही है, ये कौन है मेरे दरवाजे पे जो आधी रात को वहां से नॉक कर रहा है? ये उठा, इसने कुंडी खोली। अब जैसे ही कुंडी खोली अहमद, तो जानते हो क्या देखता है? क्या वो देखता है? कि दरवाजा खुलते ही हसीन और जमील औरत इसके सामने खड़ी है। रात को इसने उसको देखा कि अरे, आधी रात को अकेली औरत मेरे दरवाजे के बाहर क्या कर रही है? इसने उससे पूछा कि आप कौन? कहती है, मैं यहां से गुजर रही थी तो मुझे खुशबू महसूस हुई, तो यकीनन ये खुशबू की दुकान है। इसने बोला, हाँ ये तो खुशबू की दुकान है। तो इसने पूछा, ये बंद क्यों है? ये उससे कह रहा है कि आप टाइम तो देखें, आधी रात हो रही है, आधी रात है तो ये दुकान तो बंद ही होगी। तो औरत उससे कह रही है जो बाहर खड़ी हुई है कि मुझे तो खुशबू अभी चाहिए। ये कहता है, आधी रात को आपको खुशबू चाहिए? औरत ने बोला, हाँ। तो कहता है, एक मिनट रुकिए, मैं अभी दुकान खोलता हूं। अहमद ये घर से निकला, इसने अपनी दुकान खोली है, अंदर गया है। अंदर जाने के बाद इसने जितने ब्रांड इसके पास रखे हुए थे वहां, इसने सारे इतर लाके उसके सामने रख दिए। याद रहे, आधी रात का टाइम है, वो अकेली औरत इसके दुकान के सामने खड़ी हुई, हसीन औरत। ये जरा आशिक मिजाज है लड़का जो है, ये आशिक मिजाज है। अब सामने जो औरत है वो भी हसीन है, हसीन और जमील औरत है, तो कहीं अट्रैक्ट करता है ना आदमी। अब ये चोरी चोरी नजरों से उसको देख भी रहा है और इतर उसने उसके सामने रख दिए। अब वो खातून मशगूल हो गई है तमाम ब्रांड चेक करने में। हाँ। वो सिर्फ इतर देख रही है और ये चोरी चोरी नजरों से उसको देख रहा है। हाँ। जब उस औरत ने इससे पूछा कि और कुछ ब्रांड आपके पास? इसने बोले, जितने भी थे मैंने आपके सामने रख दिए। इसने बोले, अच्छा बस यही है? बोले, हाँ। बोला, मुझे तो ज्यादा चाहिए था। इसने बोला, क्या मतलब? कौन सा वाला ब्रांड आपको चाहिए ज्यादा? कह रही, अरे कौन से की बात छोड़ो, तुम्हारे पास जितने भी इतर हैं ये सब काबिले तारीफ है, तुम एक काम करो, मुझे ये सारे इतर दे दो। सारे अगर... ये कह रहा है, सारे यानी जितनी मेरी दुकान में है वो सारे? ये कह रही है, हाँ जितने तुम्हारे पास है मुझे सब दे दो। अहमद इसने सारे इतर जमा करके एक शॉपर में डाल दी, उस औरत के हैंड ओवर किए, उस औरत ने इसको पैसे दिए और औरत चली गई। इसने दुकान वापस अपनी बंद की और घर में आया। घर में आने के बाद और बीवी को उठा रहा है, ए पगली, ए बेवकूफ औरत, खड़ी हो? वो हड़बड़ा के उठी है, अरे क्या हुआ, आधी रात को क्या हुआ तुम्हें, क्यों परेशान कर रहे हो? कह रहा है, तू सही कह रही थी। कहती, क्या मतलब मैं सही कह रही थी? कह रहा है, तू सही कह रही थी कि मैं दुकान रात को भी खोलूं। तो बीवी उससे कह रही है, अरे क्या हुआ तुम्हें आधी रात को, क्या सोते में कोई सपना देख लिया है तुमने जो उठ के बैठते ही और तुमने मुझसे ये बात की? कह रहा, सपना नहीं देखा, ये देख। अब जब वो बीवी को पैसे दिखा रहा है, कह रही, अरे क्या हुआ, कहां से आ रहे हो? कह रहा, कहीं से नहीं, दुकान से आ रहा हूं। कह रही, ये टाइम देख रहे हो तुम, ये वक्त दुकान से आने का है? कह रहा, यही तो मैं बताना चाह रहा हूं कि एक खातून आई थी और वो उन्होंने आधी रात को मेरी दुकान खुलवाई और सारा इतर ले गई। इसकी बीवी कह रही है, क्या मतलब सारा इतर ले गई? कहती है, हाँ। इसकी बीवी कहती है, क्या मतलब सारा? इसकी बीवी कह रही है, क्या मतलब सारा इतर ले गई? ये कह रहा है, हाँ सारा ही इतर ले गई, इसने तो कुछ दुकान पे छोड़ा भी नहीं। ये बीवी से कह रहा है कि मेरी समझ में आ गया कि दुकान रात को खोलनी चाहिए, लेकिन दुकान में माल तो खत्म हो गया है। हाँ। अब मैं फौरन शहर जाऊंगा और शहर से जाके और माल लेकर आऊंगा,
हो सकता है पता नहीं कब वो खातून दोबारा आ जाए और कब अपना माल दोबारा सारा का सारा ले जाए। इसकी बीवी कहती है हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अहमद दिन गुजरा, अब दूसरे दिन की रात हो रही है, इसको जाना है शहर माल लेने के लिए, लेकिन ये उस दिन जा नहीं सका है। दूसरे दिन की रात हो गई, इसने सोचा चलो एक दिन निकल जाता है, दूसरे दिन मैं शहर जाके माल लेके आ जाऊंगा, ये अपने घर में ही है। अब दूसरे दिन की रात है अहमद, हजबे दस्तूर इसका दरवाजा नॉक होता है उसी टाइम पर जिस जो कल का टाइम था। दरवाजा बजा, ये दरवाजे पे गया, इसने देखा वही खातून जो कल खड़ी हुई थी वो आज खड़ी हुई है। इसने उसको देखा, कह रहा है आप? कहती हाँ, क्या हुआ, मुझे इतनी हैरत से क्यों देख रहे हो? अरे भाई मैं वही हूं जो कल आई थी। कह रहा है मैं यही तो सोच रहा हूं कि आप तो कल आके गई हैं, तो आज क्यों? कह रही आज भी उसी काम से, मुझे तो आज भी खुशबू चाहिए। वो कह रहा है आज भी? आप तो कल मेरी पूरी दुकान सफाया करके चली गई, लेके चली गई, मेरे पास तो दुकान में अब कुछ भी नहीं है। कहती ये कैसी बात हुई, और अगर मुझे खुशबू चाहिए हो तो कहता है परेशान ना हो, मैं शहर जाऊंगा, दिन निकलते ही मैं शहर जाऊंगा, आप एक काम कीजिए दो दिन के बाद आके मुझसे अपने इधर ले जाओ जो आपको चाहिए। कहती ठीक है मैं दो दिन के बाद आऊंगी। अहमद ये कह के वो चली गई। इसने कुंडी बंद की, अब तजस्सुस में है कि यार इतनी हसीन औरत ये रात को इतर लेने आ रही है मेरे पास, ये औरत कौन है? इसके दिमाग में ये चल रहा है, तजस्सुस में है। अहमद क्या हुआ, दिन निकला, बीवी को बोल रहा है कि देख भाई मैं शहर जा रहा हूं और मैं माल लेने जा रहा हूं और अब अपनी दुकान चल पड़ी है, मैं तो सोच रहा हूं दिन में बंद रखता हूं, मैं रात में ही बेचता हूं। बीवी इसकी मुस्कुरा रही है कि देखा कभी कभी बीवियों की बातों पर भी अमल करना चाहिए, वो हमेशा गलत नहीं होती, कभी कभी सही भी होती है। वो कहता है हाँ मैंने तुझे कभी गलत साबित नहीं किया, तू सही थी और सही है, ठीक है मैं जा रहा हूं अपना माल लेने। अहमद ये बोल के ये शहर गया, माल खरीदा, वापस आया। अब जब ये शहर से माल लेके शाम को वापस आ गया है घर, खुश है, क्यों कि माल तो सारा ये बेच चुका था, अब जो नया माल लाया है इसको प्रॉफिट भी हुआ, मजीद माल बढ़ा के ले आया, इसने अपनी शॉप में रखा हुआ है। अब ये रात का इंतजार कर रहा है अहमद, क्यों कि इसने दो दिन बाद का टाइम दिया हुआ था उस खातून को। एक दिन इसका शहर जाने आने में लग गया, दूसरा दिन हुआ दुकान खोल के बैठा हुआ है, रात हुई है ये अपनी दुकान में बैठा हुआ है, शॉप में बैठा हुआ है। हज़रत दस्तूर वही टाइम वही खातून, ये अपनी दुकान में नीचे सामान वामान सेट कर रहा है, क्या देखता है कि इसका काउंटर बजता है, इसका काउंटर पे नॉक हुई, ये अपने काउंटर से बाहर आया है, बाहर आके इसने जब उस खातून को देखा तो मुस्कुरा के उससे कहा अरे आप? बोली जी मैं। औरत ने उससे कहा कि आप ले आए हैं? इसने कहा बिल्कुल मैं ले आया हूं। इसने वो सारी चीजें निकाल के अपने काउंटर पे रख दी है सामने। अब क्या होता है अहमद, क्यों कि ये आशिक मिजाज है, अब निगाह भर के तो उसको देख नहीं सकता। हाँ इसने सोचा क्या किया जाए, ये तो ब्रांड चेक करने में लगी हुई है, इसने सोचा कि मैं इसको देखूं कैसे। अहमद ये हल्का सा इसने मूव किया है, मूव करने के बाद एक छोटा शीशा निकाला है अहमद, छोटा सा गिलास, तुमने देखा होगा छोटे छोटे से शीशे होते हैं गोल से ना। हाँ। इसने वही गोल शीशा निकाला है अहमद, अब वो शीशा उसने सेट किया है ऐसे कि मैं उसको, ये वो खड़ी हुई है, उसने शीशा यहां सेट किया कि मैं इसको शीशे में देख सकूं। हाँ। वो अपने ब्रांड चेक कर रही है, इसने यहां शीशा सेट किया है, सेट करके अब जो वो शीशा देख रहा है अहमद, तो क्या देख रहा है शीशे में कि एक बूढ़ी औरत है जिसके बड़े बड़े बाल हैं, बालों का जंगल उसके बालों पर है अहमद, और बड़े बड़े दांत, ये उस तस्वीर को देख रहा है शीशे में और एकदम घबरा के उसने शीशा बंद किया। अब जो इधर देख रहा है तो ये वही खूबसूरत खातून इसके सामने खड़ी हुई है, शीशे में एक बुढ़िया नजर आ रही है। शीशे में इसको जो नजर आ रही है वो एक बुढ़िया है, एक एजिड औरत है जिसके बड़े बड़े दांत हैं और आंखें उसकी बिन्नौट हुई हुई है, लाल,
ये उसको देख के खौफ ज़दा हो गया है, इसने फौरन शीशा बंद किया अपना, एक तरफ छुपाया है, और जब ये घूमा है तो देखता है कि वही खूबसूरत खातून खड़ी है। अच्छा, शीशा इसने इस तरफ से देखा? हाँ, मतलब उसकी तरफ, उस औरत की तरफ, औरत की तरफ कि मैं उसको देख सकूं, इसकी पीठ थी। और जब इसने पलट के देखा उसको तो वही खूबसूरत खातून खड़ी हुई है, यानी शीशे में इसने देखा तो वो जो खड़ी है वो बुढ़िया नजर आ रही है एक चुड़ैल के रूप में, और जो इसने सामने फ्रंट पे देखा है तो वही खूबसूरत खातून है जिससे ये बात कर रहा था। अहमद, ये वापस घूमा है, अब इसको खौफ तारी हो गया है। हाँ। ये उसको देख रहा है, ये इधर चेक कर रही है। इसने सोचा शायद मेरा वहम होगा। हाँ। ऐसा नहीं हो सकता। इसने दोबारा इसने मूव किया है और दोबारा इसने शीशा निकाला है। अहमद, अब जब शीशा निकाल के इसने देखा है तो क्या देखता है कि ये बजाय इसके कि शीशे में उसको देखता, ये शीशे में देख रहा है कि वो भी इसे ही देख रही है। अब जो इसने देखा कि इसका लुक मेरी तरफ है, इसने फौरन शीशा बंद किया। अब जो ये घूमा है तो वो इसी को देख रही थी। अहमद, मतलब उस वक्त उसका होलिया कैसा था? जिस वक्त वो देख रहा था वही चुड़ैल है, वही बुढ़िया। और जब इसने यहां देखा, अब जब ये घूमा है तो ये वही खातून है, खूबसूरत औरत। अब ये उसकी तरफ घूम गया है। अहमद, तो जानते हो वो औरत इससे क्या कहती है? क्या? वो औरत उससे कहती है कि डरो मत, तुम मेरा असली रूप देख चुके हो। ये कहता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कहती नहीं, मुझे मालूम है कि तुम मुझे पहचान चुके हो। ये कहता है तो जो मैंने देखा क्या वो सही था? तो वो जो खातून खड़ी है कहती हाँ, जो तुमने देखा वो सही था। तो कहता है मैं कैसे मान जाऊं इस बात को, तुम तो अच्छी भली खूबसूरत औरत हो, तुम तो हसीन और जमील खातून हो, क्या ये हकीकत है जो मैंने शीशे में देखा? तो वो कह रही है हां, जो तुमने शीशे में देखा मैं वही हूं। किरक, मैं तुम्हें असली हुलिये में देख सकता हूं? तो जानते हो वो क्या कह रही है? किरी, अगर मैं अपने असली रूप में आ गई तो तुम सह नहीं सकोगे, तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। वो कहता है नहीं, कैसे नहीं बर्दाश्त कर सकूंगा? अरे भाई, तुम तो मेरे सामने खड़ी हो, आओ अपने असली हुलिये में। अहमद, उस लड़की ने कहा तो ठीक है, मैं आती हूं अपने असली हुलिये में। वो घूमी है और घूम के जब वापस टर्न हुई अहमद, तो वो बुढ़िया थी जो वो शीशे में देख रहा था। इसने उसको देखा और चीख मार के बेहोश हो गया है, काउंटर पे ही बेहोश हो गया है। जब इसे होश आया है तो क्या देखता है कि दुकान पे कोई इतर मौजूद नहीं है। उसकी वो रकम जितनी बनती थी वो रकम वहां पे रखी हुई है। अहमद, सारा सामान ले गई, वो सारे इतर ले गई और वो पैसे वहां रख गई। अब इसने वो पैसे उठाए, दुकान बंद की और अंदर आ गया घर में आया। और घर में अंदर आने के बाद इसने नीचे की भी कुंडी लगाई, ऊपर की भी कुंडी लगाई और बीवी को उठाया। बीवी खुश उठी। अरे क्या हुआ, क्या बात है, क्यों घबराए हुए? बीवी से कह रहा है कि जानती हो तुम कि वो जो औरत मुझसे इतर लेती रही वो कौन थी? बीवी ने कहा मुझे क्या पता वो कौन थी। कह रहा है कि वो एक चुड़ैल थी, वो चुड़ैल थी जो आधी रात को मुझसे इतर लेके जा रही थी। तो बीवी इससे कहती है, इससे पहले कि वो चुड़ैल अपने असली रूप में आए, तुम कैसे कह रहे हो ये बात कि वो चुड़ैल थी? कहता है मैं पहचान गया था उसको और उसने भी इस बात की तस्दीक करा दी कि हाँ मैं चुड़ैल हूं। उसने पहचान गया, इसलिए बोला कि उसने वो शीशे में देख लिया। बिल्कुल, लेकिन उसने असली रूप में आने को शायद इसलिए कहा, उसने हो सकता है कोई कुछ मुझे वहम हो रहा हो। वहम, उसने कहा कि शायद मेरी गलतफहमी हो, तुम अपने असली रूप में आओ। जब वो असली रूप में आई, जब ही उसने इतने कॉन्फिडेंस से कह दिया कि तुम असली रूप में आओ, आ जाओ। अब जब वो अपने असली रूप में आई तो ये बेहोश हो गए, क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये वाकई में चुड़ैल है। फिर उसने अगर उसके बाद बेचे या नहीं दुकान? नहीं अहमद, दुकान बंद की, उसने दुकान बंद की और तकरीबन 15 से 20 दिन वो सिर्फ
बुखार में ही पड़ा रहा उस केस के बाद। और बीवी ने कहा कि नहीं अब ये काम नहीं। बीवी ने वो दुकान बंद कराई और उसके बाद उसने वो इतर का काम खत्म किया, बजाय इसके कि वो इतर बेचता रहता, किसी दिन वो इतर की ही नजर हो जाता। ओए ओए ओए, मतलब एक चुड़ैल का एक दुकानदार के पास अतर खरीदने आना, खुशबू की एक खूबसूरत लड़की बनकर आना और फिर एक चुड़ैल बन जाना, बिल्कुल अपना असली रूप दिखाना, असली रूप दिखाना। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी और बहुत ही खौफनाक स्टोरी थी शेख साहब। खुशबू जो होती है ना, हाँ, ये बड़ा अट्रैक्ट करती है इन चीजों को, क्योंकि इंसानों को अगर बहुत अच्छी खुशबू कोई मेरे सामने लगाया हुआ है तो मैं तो अट्रैक्ट हो जाऊंगा, बिल्कुल हो जाऊंगा। इसी तरह जो हमें चीजें नजर नहीं आती, ये चीजें उनको भी हमें दिख नहीं रही, लेकिन उन्हें वो खुशबू पसंद आ रही है तो वो आपके साथ हो लेंगे अहमद। हाँ, जब आप उनकी पसंद की कोई चीज यूज कर रहे हैं, चाहे वो पहनने में हो, लेकिन खास तौर पे जो खुशबू जो है ये बड़ा। और मैं अपनी इस कहानी के तवज्जुद से जितनी भी बच्चियां हैं, हाँ, तकरीबों में जाती हैं, फार्म हाउस जाते हैं लोग, परफ्यूम का बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं, ख्याल रहे, ख्याल रहे ऐसी जगहों पे कि जहां जंगल हो, जहां जंगलात हो, जहां पेड़ का सिस्टम हो, वहां खुशबू का इस्तेमाल बहुत एहतियात से करना है, खास तौर पे उन लड़कियों को जो कमारी होती है। इतनी ही खुशबू लगाएं कि जितनी बस आपको आ जाए, लिमिट में रहें कि अपनी हद तक रखें, कोई ऐसी खुशबू ना लगाएं जो फैल जाए। अरे बाप रे बाप, यहाँ तो ऐसी ऐसी खुशबू है कि आप बराबर में से अगर खातून गुजर गई तो वो तो गुजर गई लेकिन उनकी खुशबू नहीं गुजरती। हाँ, काफी देर तक वो खुशबू रहती है, उस खुशबू की वजह से वो भी जहन में रहती है जो गुजर के गई है। ओए ओए ओए, ये इंसानों का ये हाल है, जिन्नात का क्या? बिल्कुल ऐसा। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी शेख साहब, और सुनने वालों को काफी मजा आया होगा, हमेशा की तरह मजा क्या आया होगा, खौफ में होंगे इंशाल्लाह। और जिन्होंने अकेले में देखी है वो ज्यादा खौफ में होंगे, जिन्होंने फैमिली के साथ देखी है वो फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं। तो शेख साहब, जाते जाते कोई मैसेज, कोई बात हमेशा से, कोई भी एक ऐसी बात मैं सोचता हूँ कि करके जानी चाहिए, कि ये कहानी, ये बातें, ये सब एक तरफ हैं, हाँ, लेकिन चूंकि हमने जाना भी है अहमद, हमेशा से मेरी कोशिश ये होती है कि जाते जाते कोई एक ऐसी बात कर दी जाए जो जाके दिल में उतर जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोशिश यही है और हमेशा से रहेगी। मैं कहता हूँ कि हासिल को तकसीम करो, हासिल को तकसीम करो, अता की बारिश हो जाएगी। वाह वाह, हासिल को तकसीम करो, अता की बारिश हो जाएगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।